नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। धनबाद में ईडी के नाम पर वसूली का मामला आया सामने। वकील, डीटीओ, सीओ समेत कई के ठिकानों पर ईडी का छापा, कैश बरामद होने की सूचना। झारखंड में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने एक बार फिर से कार्रवाई की है। मंगलवार की सुबह ईडी की टीम धनबाद और रांची में अधिवक्ता, डीटीओ, सीओ समेत अन्य कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने धनबाद के एक वकील के साथ साथ धनबाद के डीटीओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, जय कुमार राम, प्रभात भूषण, संजीव पांडे, रवि नाम के व्यक्ति के ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई पंडरा थाना में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आरोप है कि ईडी को मैनेज करने के लिए 5.71 करोड़ में हुई थी डील। जमीन घोटाले मामले की जांच कर रहे ईडी को मैनेज करने के लिए कांके व नामकुम सीओ के अलावा धनबाद डीटीओ पर 5.71 करोड़ रुपए में डील करने का आरोप लगा है। जमीन कारोबारी संजीव कुमार पांडे ने पंडरा ओपी में वकील सुजीत कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पंडरा के रहने वाले संजीव पांडे ने ईडी से जुड़े केस को मैनेज करने के नाम पर रांची के पंडरा थाने में वकील सुजीत कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। संजीव पांडे का आरोप है कि वकील सुजीत कुमार ने ईडी की चार्जशीट में उनका नाम शामिल न करने के लिए कुछ अधिकारियों और उनसे 5 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। संजीव के मुताबिक सुजीत ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो उन्हें और उनके कुछ अधिकारी मित्रों को ईडी के केस से बचा लेंगे, उनका नाम चार्जशीट में नहीं आएगा, बदले में सुजीत ने उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए। इसके बाद भी उनके नाम ईडी की चार्जशीट में आ गए। जब संजीव ने अपना पैसा मांगा तो अधिवक्ता ने पैसा नहीं होने के एवज में 54 चेक जारी किए, साथ ही पैसे के बदले अपनी कार भी दे दी और एग्रीमेंट कर लिया। उधर अधिवक्ता सुजीत ने भी संजीव पांडेय के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है। अधिवक्ता ने अपने आवेदन में बताया है कि संजीव पांडेय और उसके कुछ साथियों ने उसका अपहरण किया और उससे 12 लाख रुपए वसूलने के बाद उसे छोड़ा। धनबाद जिला ब्यूरो, पप्पू केवट की रिपोर्ट।